हिंदू समाज पार्टी द्वारा भदरसा में हुए सपा नेता द्वारा बलात्कार किए जाने के मामले को लेकर हिंदू समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मैजिस्ट्रेट को सौंपा। हिंदू समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष उमेश पांडे ने बताया कि मोहित खान द्वारा 12 साल की मासूम बच्ची के साथ जो दुष्कर्म और गैंग रेप किया गया है, ऐसे दुष्कर्म के आरोपी को फांसी पर चढ़वाने का कार्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाए, उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चलवाया जाए और इस बलात्कार मामले में सपा के अयोध्या सांसद चुप क्यों हैं? क्या समाजवादी पार्टी का यही संस्कार है? सपा प्रत्याशी को अयोध्या की जनता ने इसलिए जिताया था उनके नगर अध्यक्ष हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार करे? अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, वह इस घटना से अनभिज्ञ बने हुए हैं। अगर यही कोई हिंदू किसी मुस्लिम लड़की का बलात्कार होता तो सपा सुप्रीमो से लेकर उनके सभी नेता आंदोलन कर रहे होते, लेकिन इसमें इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि बलात्कारी मुस्लिम है। हिंदू समाज पार्टी बलात्कारी मोहित खान को फांसी हो इसकी मांग करती है और परिवार को 20 लाख की आर्थिक सहायता की मांग करती है। जी, अभी यहाँ पे सिटी मजिस्ट्रेट जी आए थे और उन्हीं को हमने ज्ञापन सौंपा। जो यहाँ भदरसा में बलात्कार कांड हुआ है, इसमें जो है समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद जी और यहाँ तक कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी भी एक शब्द उस जो है बलात्कारी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, जो कि ये बहुत गलत बात है और भविष्य में ऐसी कोई बात ना हो। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी जी, प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोस्वामी जी, कार्यकारी अध्यक्ष, ये सब लोग मिल करके कल प्रदर्शन लखनऊ में किए थे और आज प्रदर्शन यहाँ हो रहा है हमारी पार्टी हिंदू समाज पार्टी का। तो प्रदर्शन मांग यही है कि इनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए कि दोबारा जो है किसी की हिम्मत ना पड़े ये कर्म करने को। मुख्यमंत्री जी के कार्यवाही से हमें अभी तक जो जानकारी है उससे संतुष्टि है, लेकिन जो पीड़ित परिवार है उसको जो है 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी मदद भी की जाए, ये मांग हमारी पार्टी करती है। तो को तुरंत फांसी दिया जाए या इनकाउंटर कर दिया जाए, ये मांग है। क्या नाम आपका? उमेश पांडे, जिला अध्यक्ष हिंदू समाज पार्टी। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उपल, डॉक्टर जयती उपल, डॉक्टर वीना उपल, डॉक्टर आर के उपल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।